अब्दुल रजाक पे एक बात बोल दूं, जो हाँ अब्दुल रजाक ने बड़ी घटिया छिछोरी थर्ड और क्लास। मतलब जलील बात करी है उन्होंने बेसिकली। और प्लेयर थे वो, अच्छा खेलते भी थे, लेकिन फिर आप अपनी बेसिकली औकात दिखा दिया आज उन्होंने। तो उन्होंने जो बात करी है ऐश्वर्या राय को लेकर, पहले मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा था, मैं सोचा भाई इनको गटर छाप, गंदी नाली का कीड़ा, ये सब मेरे दिमाग में आ रहा था कि इनको बोलूं मैं। बट अल्टीमेटली बात है ये जहालत की, कि जाहिल लोग जो होंगे ना वो हमेशा ऐसी बात करेंगे, पॉइंट है। एंड आई फील सॉरी फॉर देम। और अब शाहिद आफरीदी उसको कवर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं जी मैं तो ऐसे ही हंस गया, मैंने ऐसी ताली बजा दी, मेरे को तो समझ नहीं आया, मैं रजाक को बोलूंगा कि माफी मांग दे। मैंने शाहिद आफरीदी को भी, भाई आप पहले भी अपनी उम्र जो है छुपाते थे, गलत लिखते थे, अच्छे प्लेयर थे आप, बड़े प्लेयर थे पाकिस्तान के लिए, अब तो बड़े हो जाओ भाई। अभी भी झूठ और बकारी और सीधा सीधा एक्सेप्ट करो कि यार हम, हमारी तालीम हमने इतनी हासिल नहीं करी है। जाहिल आदमी जाहिल ही रहता है। तो अगर आप एक रजाक को देखें, उमन गुल को देखें, शाहिद आफरीदी को देखो, तीनों ताली भी बजा रहे, हंस भी रहे। वही भाई बात, आपके भी घर में लेडीज होंगी, माँ बहनें माँ होंगी, बहनें वो भी होती सोच हैं। रहे होंगे यार ये कैसे मर्द हमने पैदा किए, ये कैसे लानती लोग हैं। तो भगवान आपको और तरक्की दे, इन द सेंस कि आपको एजुकेशन मिले, पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी हो। और रजाक के लिए भी, अफरीदी के लिए भी, उमर गुल के लिए भी यही है, मैं उनसे बुरा नहीं मानता। बिकॉज यार जब आपकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी होगी, जब आपकी पढ़ाई, आपको एजुकेशन अच्छी मिलेगी नहीं, राइट, किसी ने आपको सिखाया नहीं होगा लाइफ में, तो आप ऐसी बातें करोगे। भाई पॉइंट है हमारे सामने, हम भी कभी आपकी। बचपन में ऐसी बात कर देते होंगे जब हाँ अकल नहीं होगी, राइट। अब तुम 50-50 साल के बुढ़े हो गए हो, तुम्हें अभी भी अकल नहीं आ रही, तब तक तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं। हमें भी कोई मिला ना कि बेटा ऐसी बात नहीं करते, औरतों के बारे में ऐसा नहीं बोलते, हाँ या रिस्पेक्ट करनी हमारी चाहिए। मम्मी ने, बुआ ने, किसी ने सिखाया हुआ, तुम्हारी भी खाला वगैरह होंगी, कोई मम्मी होंगी, सबके सब बहनें होंगी, उन्होंने बोला होगा भाई ऐसी बात, बातें औरतों के लिए, ऐश्वर्या राय को तो छोड़ दो, उसके तो आप नौकर बनने के लायक नहीं सही में। भाई, आप भिखमंगे भिखारी एक नंबर के, मतलब क्या आपको मैं क्या बोलूं अब्दुल रजाक वगैरह को। आप ऐश्वर्या राय के सच्ची में तो वो आपको, मतलब क्या मैं आपको फिर बोलूं, बोलेंगे तो और ज्यादा गलत हो जाएगा, फर्क क्या रह जाएगा सुशांत पे अगर हम भी नौकर बोले नौकर अपन रखने के रहते। लायक भी नहीं हो आप, तो फिर आप ऐसी बात करो। और इंडियन एक्ट्रेस का नाम लेने की आपको क्या जरूरत थी, आपके पास अपनी एक्ट्रेसेस नहीं है, आपने ऐसी गिरी हुई बात करनी थी अपनी किसी खातून के बाद में, वैसे तो करनी नहीं चाहिए। किसी के बारे में आप करना यहाँ का चाहिए। एग्जाम्पल दे रहे हो लाइमलाइट में रहने के लिए। गुस्सा बड़ा चढ़ा उस टाइम पर, इसी वजह से ना पाकिस्तानियों पर भरोसा नहीं करते इंडियंस, ऐसी घटिया बातें करते हो और इंडियन एक्टर का नाम क्यों ले रहे हो भाई आप। उनकी बच्चे हैं, वो इतनी बड़ी हो गई हाँ हैं, उम्र हो चुकी है एक, आप पता नहीं क्या बकवास कर रहे हो। और शाहिद मजाक ज्यादा आफरीदी से नहीं भी करते। यही दरख्वास्त है भाई, बड़े हो जाओ, अब तो बड़े हो जाओ भाई, उम्र निकल गई आपकी, अभी तक ये बचकानी हरकतें कर रहे हो कि मैंने सुना नहीं और ये वो ड्रामे कर रहे हो। खैर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।